गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स का जो टॉपिक का नेम होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने शॉर्टकट में लिखवाया हूँ हाउस प्रॉपर्टी, इसको क्या समझेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने लास्ट क्लासेस में मैंने डिस्कस करवाया था मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब ये कि कौन सा इनकम होगा जो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो मैंने डिस्कस करवाया था कि यदि 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो वो इनकम आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें टॉपिक के करवा दिया। इससे पहले मैंने फिर ये भी क्लासेस करवा दिया, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो दोनों में लिंक को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो मैंने क्लासेस लिया हूँ ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन किस तरह से होगी और कौन कौन सा जो इनकम है जो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनली और ओनली फॉर्मेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब ये कि हाउ टू वी कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, टैक्सेशन की क्लासेज है ये, काफी इंटरेस्टिंग क्लासेज है, इसलिए आप लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, अब चलते हैं इसका फॉर्मेट पे, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। एक मैं फॉर्मेट एक ड्रॉ करूंगा, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, और ये इस तरह से रहेगा फॉर्मेट, और यहां पे लिखा जाएगा जो भी अमाउंट होगी यहां पे लिखी जाएगी। उसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा पार्टिकुलर्स होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे होगा, मैं एकदम ऑन कैमरा देख ले रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का इश्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्लर हो रही थी। ठीक है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लियर है ना? तो यहां पे लिखा जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। ठीक है, मैं देख लेता हूँ मैं कैमरा में, ये लोग क्लियर देख पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर देख पा रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ा सा इसको मैं सीधा करने की कोशिश करता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। उसको लॉक कर दो ना, लोगों को बार बार क्या घूमना पड़ेगा। धूप आता है तो देखिए, सबसे पहले लिखा जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, इसी से डिवाइड कर दिया जाएगा म्युनिसिपल टैक्स पेड। जो भी म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा उसको लिस्ट कर दिया जाएगा, ये होगा नेट एनुअल वैल्यू NAV, नेट एनुअल वैल्यू NAV, ये हो गया NAV, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहां से लेस किया जाएगा, लेस स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन में ए भी होगा
30% ऑफ ग्रॉस इनवर वैल्यू, और दूसरा भी होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले मैं फॉर्मेट को लिख रहा हूं, यहां पे जो भी होगा इसको यहां पे लिख दिया जाएगा। ये आपको कहलाएगा गेन, अगर कोई एरियर वगैरह है इसमें ऐड किया जाएगा, ऐड एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, ठीक है, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड हो गया। तो ये हो गया, ये आपको कहलाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, फॉर्मेट हुआ, किस तरह से हम लोग टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ग्रॉस इनवर वैल्यू होगा, उसमें से लेस किया जाएगा म्युनिसिपल टैक्स पेड। हमेशा याद रखेंगे ये पेमेंट के बेसिस पे होती है, अगर किसी प्रकार की आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वो यहाँ पर लेस नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये कि जब भी पेमेंट होनी चाहिए तो पेमेंट बाय ओनर के द्वारा, अगर टीनेंट पेमेंट करती है तो उसको लेस नहीं की जाएगी। और हमेशा याद रखेंगे ये म्युनिसिपल टैक्स ये कई वर्षों का भी हो सकता है, मतलब कि अगर प्रीवियस ईयर का भी पेमेंट है या एडवांस नेक्स्ट ईयर का भी पेमेंट है, उन सभी को यहाँ पर के लेस किया जाता है वो पेमेंट बेसिस। उसके बाद क्या होगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये हो गया 30% ऑफ ग्रॉस इनवर वैल्यू, ठीक है, 30% मतलब नेट एनुअल वैल्यू का 30%। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन लेस कर दिया, मतलब ये कि अगर किसी प्रकार के आपने घर को यानी कि हाउस प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन लिया है, क्योंकि लोन होना चाहिए किस पर्पज से, या तो उस हाउस प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्शन के पर्पज से आपने लोन लिया था उसका इंटरेस्ट, दूसरी या तो उस हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपने लोन लिया था, या उस हाउस प्रॉपर्टी को रिपेयर्स मेंटेनेंस करने के लिए लिया था, या उस हाउस प्रॉपर्टी को रिनोवेशन करने के लिए आपने जो लोन लिया है और उस पे जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होती है उसको अंडर सेक्शन या ये अंडर सेक्शन 24 यहां पर कर लिख सकते हैं ए, ठीक है, और 24 बी। कभी कभी सेक्शन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है अंडर सेक्शन 24 ए के अकॉर्डिंग इनमें से किसका डिडक्शन मिलती है, तो ए में 30% ऑफ एन ए बी, अगर बी रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज रिनोवेशन एंड रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि जो भी लोन लिया गया है वो फॉर द पर्पस ऑफ रिनोवेशन। ये हो गया गेन। अगर किसी प्रकार का प्रीवियस सरकार रेंट एरियर है उसका रिसिप्ट होती है उसको भी हम लोग ऐड करते हैं, उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये कहलाता है, और यही जो इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जाएगा। अब देखिए थोड़ा बेसिक चीज पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली जो बातें वैसी बातें जो हम लोग को बुक में लिखी नहीं होती। अब देखिए जनरली क्या होनी चाहिए, अब सोचिए इस तरह से कैलकुलेशन करवाई जाती है क्यों, जैसे देखिए रूल तो ये कहता है कि यदि इनकम कोई हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है तो वहां पे इनकम जो भी है उस इनकम को हम लोग बेस मानते हैं, और इस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसको हम लोग बेस करते हैं, और जो भी आता वो क्या कहलाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये जो इनकम आती इस पर टैक्सेशन लग जाती। समझिए जरा, लेकिन ऐसा लेंथी कैलकुलेशन क्यों बताया है डिपार्टमेंट, तो देखिए ये जो सिस्टम है इसी सिस्टम के माध्यम से पहले से टैक्स का कंप्यूटेशन होती थी, लेकिन एसएससी क्या किया यहाँ पे चतुराई क्या करता था, पहला तो जो रेंट आता था उसको गलत तरीके से बताता था तो वहां पे भी डिपार्टमेंट को नुकसान होता था, इसलिए डिपार्टमेंट ने ग्रॉस इनवर वैल्यू को कैलकुलेशन करने के लिए बताया कि ये इनकम को यहाँ जीए भी मान करके लिखना है। लेस एक्सपेंस की जगह पे क्या होता था कि जब भी उसको रिटर्न फाइल भरना होता था तो कहता था कभी मेरा दीवार टूट गया इसलिए मैंने उसको रिप्लेस करवाया,
मैंने उसको रिनोवेशन करवाया, मेरे पास इतना हाउस रिलेटेड आज नल खराब हो गया, कल मुझे वाटर में इतना एक्सपेंसिव हो गया, फालतू फालतू बहुत सारे एक्सपेंस शो करता था। सपोज दैट यहाँ पे इनकम शो करता था 1,00,000 रुपीज, ये जो इनकम हुआ, और एक्सपेंस शो कर देता था, एक्सपेंस हो गया 1,20,000। अब तो डिपार्टमेंट देखने के लिए आती नहीं है, यहाँ पे नुकसान दिखा देता था 20,000। डिपार्टमेंट आता था टैक्स देने के लिए, तो SEC बोला करता था डिपार्टमेंट को कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जी, आप ही मेरे को टैक्स दे दो ना, क्योंकि मैंने जो हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाया है, तो मेरे को इनकम 1,00,000 आया और मेरे को एक्सपेंसिव हो गया 1,20,000, इसलिए इनकम नहीं हो करके मेरे को लॉस हो गया 20,000, तो मैं टैक्स किस बात पे दूँ। डिपार्टमेंट को यहाँ पे झटका लगा, ये तो SEC बार बार यही काम कर रहा है, जितने भी SEC है सब यही कर रहा है, तो डिपार्टमेंट को टैक्स नहीं बन पाता था, ठीक ना। तो डिपार्टमेंट ने सोचा कि कुछ ऐसा सिस्टम लाया जाए, कुछ ऐसा प्रोविजन लाया जाए, जिससे कि अगर कोई SEC टैक्स इविजन करता है तो उसे रोका जा सकता है। तब से ये सिस्टम बना दिया टैक्स डिपार्टमेंट कि जो भी आपको जो एक्सपेंसिव है, इस एक्सपेंस के जगह पे उन्होंने रूल्स बना दिया, लेस किया जाएगा, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आ गया, कि मतलब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको उतना ही छूट मिलेगा जितना डिपार्टमेंट में लिखा है। तो क्या लिखा कि 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, जो भी आपको हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ उसका मात्र 30% माना जाएगा कि आपको खर्च है, चाहे आप 1 रुपीज खर्च कीजिए या उससे मोर देन कीजिए, चाहे जितना इनकम है उससे भी ज़्यादा करेंगे खर्च, लेकिन आपको 30% ही माना जाएगा। जैसे ये रूल्स बना दिया डिपार्टमेंट, तब से SEC को खर्च होना बंद हो गया, चूंकि वो ज़्यादा भी दिखाएगा शो करेगा तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कम भी शो करेगा तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होगा, जिससे कि टैक्स इविजन पूरे से डिपार्टमेंट ने बचाया और SEC का जो चतुराई था वो चतुराई चलना बंद हो गया। इसलिए डिपार्टमेंट ने ये सिस्टम लाया 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू और इंटरेस्ट ऑन लोन ये दिया गया मौका, उसमें भी इसमें 5 proportionately इंस्टॉलमेंट के सिस्टम से ये लोन को ये दिया जाता है, अलाउड की जाती है डिडक्शन। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है और इसका कंप्यूटेशन किस तरह से होता है, उस चीज़ को आप लोगों ने सीखा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेज में मैं लाऊंगा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि इसका कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है, हाउ टू कंप्यूट इनकम अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर दी मेथड टू बी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। और हमेशा एक चीज और याद रखेंगे, हाउस प्रॉपर्टीज भी दो प्रकार की होती है, एक होती है रेजिडेंशियल होगा और दूसरा होगा लेट आउट, ठीक है, रेजिडेंशियल, यहां पर S लिखा हुआ है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज होगा, एक होगा आपको लेट आउट। तो लेट आउट का मतलब उन्होंने किराए पे लगाया है, तो ये जो मैंने कैलकुलेशन का फॉर्मेट जो बताया हूं ये लेट आउट का होगा, हमेशा याद रखें लेट आउट का मतलब किराए पे लगा हुआ, ठीक है। और जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जिसको सेल्फ ऑक्युपाइड के नेम से जाना जाता है, सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब कि खुद को वो रह रहा है उस घर में, अपने खुद को वो इस्तेमाल कर रहा है, उसका कुछ अलग सा कंप्यूटेशन होता है, उसका अलग सा मेथड होता है। तो आज की क्लासेस हम लोग को यहीं पर एंड हो रही है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर।